आयुर्वेदिक सुख संपदा में आपका स्वागत है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ में क्या अंतर होता है, दोनों को पहचानने का क्या तरीका है। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत स्पेशल है। हरड़ के फायदों से कौन परिचित नहीं है। सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला का मतलब होता है तीन फल, और वो तीन फल कौन से हैं? उनमें एक है बेहड़ा, जिसको विभीतकी कहते हैं संस्कृत में, दूसरा है आंवला, जिसको संस्कृत में आमलकी कहते हैं, और तीसरा है हरड़, जिसको संस्कृत में हरीतकी कहते हैं। तो ये जो हरीतकी है इसको ही हरड़ आम भाषा में कहा गया है। और दोस्तों इसके बारे में जब आप पता करते हैं और आप बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं या कोई नुस्खा बनाना चाहते हैं, तो अक्सर एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो प्रश्न चिन्ह, वो सवाल या निशान होता है कि आपको छोटी हरड़ इस्तेमाल करनी है या बड़ी हरड़ इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो का यही टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हरड़ के बारे में कि हरड़ होती क्या है। हरड़ का वैज्ञानिक नाम होता है टर्मिनेलिया चेब्युला, और इसका जो पेड़ होता है वो भारतवर्ष में हिमालय के निचले स्थानों में लेकर बंगाल तक पाया जाता है। इसका पेड़ 50 से 80 फीट तक ऊंचा होता है। ये फल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता है और त्रिफला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बात करते हैं आयुर्वेदीय महत्व की। तो दोस्तों आयुर्वेद में इसको रसायन माना गया है। रसायन उन दवाइयों को, उन जड़ी बूटियों को कहा जाता है जो शरीर को बल प्रदान करने वाली होती हैं। तो रसायन औषधियों में इसका वर्णन किया गया है, इसका विवरण दिया गया है। भाव प्रकाश में हरीतकी की 7 प्रजातियां बताई गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं: रोहिणी, विजया, अमृता, अभया, जीवंती, पूतना और चेतकी। तो ये 7 प्रजातियां हैं, लेकिन आम चलन में छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ ही जानी जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये हैरत कर रहे होंगे कि शायद ये दो अलग अलग पेड़ों से मिलने वाली चीजें हैं, दो अलग अलग पेड़ों से मिलने वाली औषधियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ अलग अलग पेड़ों से नहीं मिलती हैं, बल्कि हरड़ के फल की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब फल छोटा होता है और उसमें गुठली पड़ी नहीं होती है, अगर उसको तभी तोड़कर सुखा लिया जाए तो वो कहलाती है छोटी हरड़। जब फल पूर्ण विकसित हो जाता है और उसके अंदर गुठली पड़ जाती है तो उसे कहते हैं बड़ी हरड़। यह देखिए, यह है छोटी हरड़। छोटी हरड़ साइज में छोटी तो है ही, साथ ही इसमें क्या है कि इसके अंदर अभी गुठली नहीं पड़ी है पूरी तरह से, तो ये छोटी दिखाई देती है, और ये ज्यादातर यूनिफॉर्म होती है, देखने में बाह्य रूप से बड़ी इलायची जैसी दिखाई देती है। वहीं जो बड़ी हरड़ होती है उसके अंदर आपको जो है गुठली दिखाई देगी अंदर की तरफ, और इसका रंग जो है वो छोटी हरड़ की तुलना में मटमैला भूरा होता है। अक्सर ये जब इनको बेचा जाता है मार्केट में बड़ी हरड़ को, तो उस टाइम ये फट जाती हैं और गुठली और छिलके एक साथ मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे कि चाहे वो छोटी हरड़ हो और चाहे वो बड़ी हरड़ हो, दोनों एक ही पेड़ से मिलने वाली चीजें हैं और दोनों का इस्तेमाल भी लगभग एक जैसा होता है। कोई खास अंतर दोनों के इस्तेमाल में नहीं है। जो अंतर है वो अलग वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ का अंतर समझाना चाहता था। गाइज, अगर आप वीर्य के पतलेपन से परेशान हैं, वीर्य पतला है जिसकी वजह से आप धात रोग, स्वप्न दोष के शिकार हो रहे हैं, तनाव में भी कमी आ गई है, जब आप अपना सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो सीमेन एनालिसिस में आपको वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम मिलती है, शुक्राणुओं की क्वालिटी खराब मिलती है, तो आपके लिए मेरे द्वारा बनाया गया स्पेशल कैप्सूल है गो स्पर्मेटो कैप्सूल, जिसमें मैंने वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की हैं जो वीर्य को गाढ़ा करती हैं। इसके अंदर आपको मिलता है कीकर गोंद, छुहारा, अश्वगंधा, मखाना, सिंघाड़े की गिरी और ऐसी दवाइयां जैसे कि बांस का रस होता है जिसको वंशलोचन कहते हैं। इस तरह की जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाया गया है और ये आपके वीर्य को शक्ति देता है, वीर्य को गाढ़ा करता है और वीर्य बलशाली होता है। अगर आप गो स्पर्मेटो कैप्सूल्स हमसे मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसी एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। धन्यवाद।